जय हिंद पटना वुमेन्स कॉलेज। यह नोटिस पटना वुमेन्स कॉलेज पे होने वाली है और इस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि अगर आपका सपना है पटना वुमेन्स कॉलेज में नाम लिखाने का, वहाँ से स्टडी करने का एंड डिग्री लेने का, तो यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि देखिए, आज का जो हेडलाइन है पेपर कटिंग में, दैनिक भास्कर में खास करके 13/4/2022, उसमें लिखा गया है पटना वुमेन्स कॉलेज इस साल फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी। मतलब एडमिशन प्रक्रिया जो है आपका स्टार्ट होने वाला है और इस साल पिछले साल के मुकाबले जो फीस है वो ऐसे स्टैंड रहेगा, मतलब स्टैगनेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ोतरी नहीं होगी, स्टैटिक रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आपको भी पता है पटना वुमेन्स कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन तो आप ले नहीं सकती हैं आप लोग, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेंगी तभी एग्ज़ाम पास करने के बाद रिजल्ट आएगा, देन एडमिशन हो पाएगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब से होना है उसकी बात करी गई है। पटना वुमेन्स कॉलेज 2022-23 सेशन का जो नामांकन फॉर्म है 1 मई को जारी हो जाएगा, ठीक है। 1 मई से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देंगे, किसका, पटना वुमेन्स कॉलेज का, ठीक है। फॉर्म फिलअप करेंगे फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आपको सामने आएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो होता है एग्ज़ाम पड़ेगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम पड़ेगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अच्छा रहा तो एडमिशन होगा, नहीं रहा तो फिर टाटा बाय बाय कर देना इस पटना वुमेन्स कॉलेज को, क्योंकि मेहनत करने की ज़रूरत है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 1 मई को आवेदन जो करने की जो फॉर्म होती है वो जारी कर दी जाएगी और ये इनके खुद के वेबसाइट पे करी जाएगी, पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे जारी की जाएगी। यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। देखिए, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, सबके लिए एडमिशन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हालांकि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है टर्म 2 का वो अभी हो नहीं पाया है, और साथ ही साथ ICSE का भी, उनका भी, ये दोनों बोर्ड का एग्ज़ाम कुछ परीक्षाएं जो हैं अभी हो नहीं पाई है, नहीं रिजल्ट आया है, तो उन लोगों के लिए कुछ अलग से देखा जाएगा। लेकिन अभी स्टार्ट होने जा रहा है फॉर्म, ठीक है, उन लोग का अलग से बात किया जाएगा कभी। आवेदन शुल्क जो है आपका 1000 रुपये है, 1000 रुपये आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम, वोकेशनल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो सभी, एंड पीजी में 9 वैसे हो, मतलब टोटल 9 सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भरी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर मारिया, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, पटना वुमेन्स कॉलेज और क्रिश्चियन कॉलेज है, इसीलिए नाम देखो डॉक्टर सिस्टर मारिया रश्मि ने बताया कि नए सत्र के आवेदन फॉर्म में 1 मई को जारी कर दिया जाएगा। इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, 1000 पहले भी था, 1000 इस साल भी आपके फॉर्म का फीस है। एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर नामांकन होगा, पहले ही मैंने आपको बताया एग्ज़ाम पास करना ही करना है, ऐसे एडमिशन होगा ही नहीं, अच्छा रिजल्ट लाना ही लाना है, तो तैयारी में लग जाओ और क्या। देखो, वुमेन्स कॉलेज द्वारा आयोजित एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर नामांकन किया जाएगा। टेस्ट के बाद विषय वाइज, जितने भी सब्जेक्ट वाइज आपका कॉलेज द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उस मेरिट लिस्ट में फिर आपका नामांकन प्रक्रिया जुलाई में, ठीक है, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई में तक आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। हो सकता है जुलाई अगस्त भी जा सकता है, लेकिन पटना वुमेन्स कॉलेज ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं करती है, अपना काम समय पर पूरी करती है। तो अगस्त से नए सेशन की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, यानी अब नए नए बच्चे हैं जिनका पढ़ाई अगस्त से शुरू हो जाएगा पार्ट वन का, ठीक है। और पिछले साल 12वीं परीक्षा देर होने के कारण और परिणाम देर आने से जो नामांकन प्रक्रिया से उसमें देरी हुई थी, इस साल भी देख रहे हैं CBSE वालों का थोड़ा सा देर हो रहा है, तो इन लोगों के लिए देर हो सकता है, लेकिन जिनका रिजल्ट आ गया है, बिहार बोर्ड हो गया, अंदर बोर्ड जो पटना वुमेन्स कॉलेज बिहार का गर्ल्स के लिए नंबर 1 कॉलेज है पढ़ाई करने के लिए, डिग्री के लिए, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और यही फुल पैकेज था आज वीडियो में, आपको समझ में आया होगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो ना तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक करिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, इसकी तैयारी मैं अपने सेकेंड चैनल पर करवा रहा हूँ, ES Point, ठीक है, ES Point सर्च करना, आ जाएगा मेरा चैनल,
उस पर मैं तैयारी करवा रहा हूँ और वहाँ से जाके कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। पूरा एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा फालतू नॉलेज आपको ज़रूरी भी नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं, ठीक है। बैंकिंग रेलवे SSC नहीं करने जा रहे हो, तो जितना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना बता देंगे। फिलहाल आज के लेते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।